नमस्ते पेरेंट्स, क्यों टेंशन में है? लड़का बड़ा हो गया है, सेटल भी है, मगर मनपसंद बहू नहीं मिल रही है क्या? या फिर बिटिया वेल एजुकेटेड है लेकिन उसकी मैच का जीवन साथी नहीं मिल रहा? बड़े बुजुर्गों का मानना है कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं, लेकिन इसके लिए आखिर पहल इंसानों को ही करनी पड़ती है। साथ ही साथ इतनी बड़ी दुनिया में हम सफर कहाँ और कैसे मिलेगा ये कोई नहीं जानता। किसी की मुलाकात अपने लाइफ पार्टनर से बड़ी आसानी से हो जाती है तो किसी किसी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुराने ज़माने में रिश्तों को जोड़ने का काम दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी, नाई या फिर पंडित भी करते थे, लेकिन इस साइबर युग में जीवन साथी की तलाश का काम मैरिज ब्यूरो, मैरिज कंसल्टेंसी, मैरिज साइट्स ने ले ली है, जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वालों को आपस में मिलाने का काम करते हैं। यानी घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से आप अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि मैरिज ब्यूरो क्या है और किस तरह से काम करते हैं। मैरिज ब्यूरो दो शब्दों से मिलकर बना है। मैरिज का अर्थ है शादी और ब्यूरो का अर्थ होता है जानकारी उपलब्ध करवाना। इस तरह से मैरिज ब्यूरो का मतलब हुआ ऐसी जगह जहाँ शादी के लिए लड़के लड़कियों का विवरण उपलब्ध होता है। लोगों के लिए शादी के रिश्ते उपलब्ध करवाना ही मैरिज ब्यूरो का काम है। मैरिज ब्यूरो मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। शादी के लिए जीवन साथी ढूंढने में मैरिज ब्यूरो डेटा उपलब्ध करवाते हैं। मैरिज ब्यूरो के पास लड़के और लड़कियों का पूरा डेटा होता है, जिसमें उनकी जाति, धर्म, प्रोफेशन, एरिया, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल, फैमिली डिटेल सब कुछ होता है। लड़के लड़की के फैमिली के सामने कई और ऑप्शन भी होते हैं, जिससे उन्हें उनके बच्चों के पार्टनर के चुनाव करने में आसानी होती है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे मैरिज ब्यूरोज हैं जो शादी फिक्स कराने में अच्छा नाम कर रहे हैं, और आज मैं आपको एक ऐसे ही मैरिज ब्यूरो से मिलवाना चाहती हूँ जो कि सिर्फ शादी के रिश्ते ही नहीं बल्कि शादी फिक्स हो जाने पर शादी से जुड़े काम जैसे वेडिंग वेन्यू, बैंड वाला, मेहंदी वाला, फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर जैसे तमाम वेडिंग वेंडर्स को किफायती दाम में भी बुक कराने का काम करते हैं। और अगर आप चाहें तो आपकी शादी फिक्स कराने से लेकर आपकी शादी ऑर्गेनाइज कराने तक का कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। पेरेंट्स, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया चोपड़ा। आज मैं आपको धर्मा वैदिक मैट्रिमोनियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से मिलवाऊंगी, और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि धर्मा वैदिक कैसे शादी से जुड़े काम, मतलब शादी के रिश्ते लाने से लेकर आपकी शादी फिक्स कराने और शादी ऑर्गेनाइज कराने का काम तक करते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं धर्मा वैदिक के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में। तो चलिए पेरेंट्स, आज हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं धर्मावैदिक.com के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे आप रिश्तों की इंक्वायरी करते हैं। सबसे पहले जांच पड़ताल करते हैं कि कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कौन सी सिटी से हैं, कौन सी जाति के हैं, या फिर क्या करते हैं, कितने एजुकेटेड हैं। ये सारी जानकारियाँ जहाँ से आपको मिलती है ये उन्हीं का क्या बने। आइए। हेलो मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम सोनिया चोपड़ा है। मेरा नाम वैष्णव मानती सिंह। या ओके, श्योर। ओके, अब मैं आई हूँ पेरेंट्स की तरफ से, एक इंक्वायरी है उनकी। बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आप जो शादी जोड़ने का काम करते हैं वो किस तरह से, क्या प्रोसीजर है उसका? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम आप इधर आए। एक्चुअली धर्मा वैदिक में जो भी पेरेंट्स आते हैं तो उनका पहला इंट्रोडक्शन हमसे ही होता है। सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना या शादी फिक्स करने से बढ़कर पुण्य का काम मेरी नज़र में और कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स धर्मा वैदिक में विजिट करते हैं या फिर फोन पे बात करते हैं। सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है, किसी को सेम कास्ट चाहिए, सेम प्रोफेशन चाहिए या फिर NRI, लेकिन सबका सेम रिक्वेस्ट रहता है कि फीस जितनी भी लो लेकिन बेटे के लिए बहू और दामाद अच्छा होना चाहिए। तो हमारा सिस्टम SOP पे काम करता है, मतलब कि जब कोई पेरेंट्स हमारे लिए रिश्ते की बात करने आता है तो सबसे पहले हम उनका बेसिक डिटेल्स देते हैं, जैसे कि उनके बेटे का नाम, एजुकेशन, प्रोफेशन, लाइक डिसलाइक, उनका करियर गोल्स, फिर उनके मतलब पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि अपने बेटे के लाइफ पार्टनर में वो क्या क्या क्वालिटीज देखना चाहते हैं, उसके बाद उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और फैमिली बैकग्राउंड कैसा चाहिए। आइए इस वीडियो से आगे बढ़ते हैं और धर्मा वैदिक के इवेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मिलते हैं। यहाँ हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि ये वेंडर मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्रियंका। बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच।
अच्छा, मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए थी। पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि ये जो आप वेंडर मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट सब कुछ करते हैं, तो काफी डिस्काउंटेड रेट्स में प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, आपके जो भी सेवाएं हैं, तो ये मार्केट रेट से डिस्काउंट कम कैसे हो जाता है, किस तरीके से? यस मैम, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आप ऑनलाइन कोई भी मूवी टिकट या फ्लाइट टिकट, कोई भी टिकट बुक करते हैं या ऑनलाइन से कोई भी सामान की खरीदारी करते हैं थ्रू अ थर्ड पार्टी, तो उनका एक कमीशन फिक्स होता है। वैसे ही हमारी इंडस्ट्री में वो कमीशन 8% से लेकर 40% तक है, और जो भी कमीशन, जो भी परसेंटेज हमें वेंडर से मिलते हैं, उनका कुछ पार्ट हम अपने क्लाइंट को रिफंड कर देते हैं। जैसे कि आपको बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कहा आपने, जादू तो है नहीं, सही है। लेकिन एक और सवाल बाकी रह गया है कि आप शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते हैं क्या, क्या इसकी कोई जानकारी दे सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल। यहाँ पे कैसे धर्मा वैदिक रिश्ता फिक्स कराने के साथ साथ शादी का पूरा ऑर्गेनाइज कराने का कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है। फिलहाल तो ये फैसिलिटी अभी सिर्फ 4 शहरों में अवेलेबल है, मुंबई, दिल्ली NCR, रांची एंड पटना। और बात करूँ अगर मैं फीस की, तो इट वेरीज फ्रॉम 10% to 35% ऑफ टोटल कॉस्ट, बट टोटली डिपेंड ऑन क्लाइंट। थैंक यू प्रियंका, अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो पेरेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धर्मा वैदिक बड़े ही सलीके से काम करते हैं, बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच है इनका। तो आज धर्मा वैदिक मैट्रिमोनियल सर्विसेज के इस डिपार्टमेंट के बाहर मैं खड़ी हूँ, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने फीस लेते हैं ये मैट्रिमोनी सर्विसेज करने के। चलिए, वो करने आई हूँ, और वो है कि आप ये जो मैट्रिमोनियल सर्विसेज जो शादी फिक्स कराते हैं, तो इसके लिए फीस क्या लेते हैं, आपके चार्जेस क्या हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और आपके पेरेंट्स के डाउट क्लियर करने के लिए रिगार्डिंग फीस। मैं आपको बताना चाहूँगी कि धर्मा वैदिक का जैसा नाम है वैसा ये काम भी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो फाइनेंशियली वीक फैमिली फैमिलीज होती हैं, उनको हम सारी सेवाएं मुफ्त देते हैं, और जो भी विडोज फैमिली होती है उनको भी हम सारी सेवाएं फ्री में करवाते हैं। दूसरी बात, अगर जो भी रिश्ते आते हैं बेटी या सिस्टर्स के लिए, तो हम उनको फ्लैट 30% का डिस्काउंट देते हैं। तो सुनिया मैडम, जैसे कि मैंने आपको थैंक यू स्नेहा, आपने बहुत ही मूल्यवान जानकारी शेयर किया मेरे साथ। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो रह गया मेरा, कि ये जो आप बहुत डिवाइन काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक पुण्य का काम कर रहे हैं विधवाओं को शादियां करा के, लेकिन कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुनाफे के बिना तो चलता नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस प्लान क्या है, किस तरीके से चलाते हैं? चलिए तो फिर बिजनेस प्लान की तरफ चलते हैं। मैं आपको हमारे प्लान बताती हूँ। हमारे 3 प्लान्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है एलीट फैमिलीज, जिसमें सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं एक्सक्लूसिव फैमिलीज, जिसमें मिडिल क्लास फैमिलीज होती है। और तीसरे नंबर पे आते हैं डिवोर्सी या फिर सेकेंड मैरिज फैमिलीज। ठीक है, अब उनके चार्जेस की बात करते हैं। तो एलीट फैमिलीज की फीस है 99,000। सेकेंड नंबर पे आते हैं एक्सक्लूसिव फैमिली, जिनके चार्जेस है 65,000। और थर्ड नंबर पे आते हैं डिवोर्सीज, उनके चार्जेस है 65,000। ठीक है, और हम आपको पेरेंट्स, देख लिया आपने धर्मा वैदिक मैट्रिमोनियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, जो चार्जेस ये लेते हैं, अलग अलग तरीके स्ट्रक्चर हैं उनकी, अलग अलग तरीके के दर्जे के लोगों के लिए, इवन विडोज के लिए अलग अलग तरीके की फीस है, मतलब हर एक के लिए एक अलग बजट बनाया हुआ है इन्होंने, तो बहुत अच्छी सुविधा है ये। तो प्लीज रजिस्टर करें आज ही मैट्रिमोनियल सर्विसेज में। इस तरीके से धर्मा वैदिक मैट्रिमोनियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सारे डिपार्टमेंट से हमने आपको मिलाया, और वो किस तरीके से शादी फिक्स कराने से लेकर शादी पूरी होने तक आपकी हर कदम पे मदद करते हैं। डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, विक्टर ह्यूगो, जो एक फ्रेंच पोएट, ऑथर और ड्रामेटिस्ट थे, वो कहते हैं कि ही हु एवरी मॉर्निंग प्लान्स द ट्रांजैक्शंस ऑफ दैट डे एंड फॉलोज द प्लान दैट कैरीज अ थ्रेड दैट विल गाइड हिम थ्रू द लेबिरिंथ ऑफ द मोस्ट बिजी लाइफ। मतलब कल कभी नहीं आता है, जो है वो सिर्फ आज है, इसलिए आज से ही अपने बच्चे के लिए सही वर वधु की तलाश का जिम्मा धर्मा वैदिक को दें। डियर पेरेंट्स, अगर आपको धर्मा वैदिक सर्विसेज लेनी है, तो आप www.dharmavedic.com पर विजिट कर सकते हैं। आप कॉल करके फ्री में भी जानकारी ले सकते हैं, जिसका नंबर है 8828952895। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।
हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।